हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम हेयर विद द इंग्लिश कोर्स बुक, ओके, एंड एज वेल एज वी आर टेकिंग द चैप्टर 6, एंड द चैप्टर नेम इज तेनाली रामन एंड द रेड पिकॉक। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि कल मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन कंप्लीटेड करा दी गई थी ना स्टूडेंट्स। होप आप सबको ये स्टोरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हेयर विद द पेज नंबर 63 विच इज़ कंप्लीटेड ऑलरेडी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट पेज नंबर 64, ओके, पेज नंबर 64। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक, सारे लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। 64, सब लोगों ने कर लिया ओपन? 64 कर लिया सब लोगों ने? ओके फाइन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी फर्स्ट, नाउ वी हैव वन मोर स्टेटमेंट इज इन रिमेन, सो लेट्स स्टार्ट। तेनाली स्माइल्स, द पीपल ऑफ द किंगडम डांस इन द रेन। नाउ एट लास्ट दे हैज गिवन तेनाली स्माइल्स। सो बिफोर दिस लेट मी रिमाइंड यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर विच वॉज कम्प्लीटेड एट द एंड, ठीक है, जो कि हम लोगों ने लास्ट में ख़त्म किया था। एंड में मैंने जो एक्सप्लेन किया आप लोग को, वॉट वॉज दैट मीन्स वैन तेनाली रामन गॉट दैट चतुर पंडित वॉज वॉट, क्या कर रहा था चतुर पंडित? चतुर पंडित जो है उसने पिकॉक को एक पेंटर से पेंट कराया था ना रेड कलर में, ओके, एंड व्हेन तेनाली रामन गॉट दिस ट्रूथ देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही फाउंड आउट आर ही जस्ट फाइंड आउट अबाउट दैट पेंटर। उन्होंने पहले पेंटर को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग और बाय हेल्पिंग इज स्पाइस, अपने स्पाइस की हेल्प से, अपने जासूसों की हेल्प से। उसके बाद किंग कृष्णदेव राया, ओके, जो कि उस कोर्ट के किंग थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चतुर पंडित को, ही सेड दैट नाउ यू विल नॉट कम इन द कोर्ट फॉर अ मंथ, मीन्स उन्होंने चतुर पंडित को 1 मंथ के लिए कोर्ट से आउटसाइड कर दिया, आउट कर दिया, ओके, एंड नाउ दिस थिंग हैज़ हैपेंड देयर। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? आफ्टर दैट नाउ फाइनली दैट पेंटर हु हैड पेंटेड द अदर पिकॉक्स ऑल्सो, ऑल दी मिस्ट्रीज हैड कम आउट थ्रू, एंड देर वॉज द मानसून टाइम। सो सडनली वन डे रैनी वॉज स्टार्टेड, क्या हुआ था? रैनी जो स्टार्ट हो गया था ना, देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, दैट डे इट रेन, मीन्स वन डे और यू कैन से सेम डे देर वॉज रैन एंड द पिकॉक डांस, और जब रैनी हो रही थी तो सारे पिकॉक जो हैं डांस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है द रैन वॉस्ट ऑफ देयर कलर, एंड जो भी पिकॉक्स थे जिनको रेड कलर से पेंट किया गया था, पेंटर ने जो उनको पेंट किया था, उनकी जो कलर थी वो सारी कलर जो है वॉश हो गई, ठीक है ना, और पिकॉक जो है वो अपने रियल कलर में, जिस कलर की वो यूजुअली होते हैं उस कलर में वो दोबारा से आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिकॉक साड़ी जो है वो रैनी में क्या कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए इन सारे पिकॉक की जो रेड कलर है, रेड पेंट जो किया गया है, वो सारे वॉश्ड आउट हो गए हैं, ठीक है ना, सारे वॉश हो गए हैं, ओके। एंड नाउ कम ऑन दी 64 पीस, इसमें देखते हैं तेनाली स्माइल, ओके, एंड जस्ट वाइल सीइंग टू दिस तेनाली जो है वो स्माइल करते हैं, तेनाली स्माइल करते हैं कि जो भी पिकॉक हैं वो सारे अपने रियल कलर में आ गए हैं, और उनको जो रेड कलर से उनको क्या किया गया था, उनको जो कलर किया गया था वो सारे उनके उनके आउट हो गए हैं। द पीपल ऑफ किंगडम डांस इन द रेन, एंड आफ्टर दिस वॉट एवर पीपल वर देयर आफ्टर लुकिंग टू दीज पीकॉक्स, बिकॉज ऑल द पीकॉक्स वर ऑल्सो डांसिंग, सारे पीकॉक्स भी डांस कर रहे थे, इसलिए जो किंगडम के लोग थे, कोर्ट के जो लोग थे, वो लोग भी अपने होम से आउटसाइड आ गए और वो लोग भी डांस करने लगे। एज यू कैन सी देयर इज अ वुमेन एंड सम मैन, ओके, मेन आर देयर, दे आर डांसिंग।
और ये सारे लोग भी पिकॉक के साथ डांस करने लगे, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर ऑफ एक्सप्लेनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, ओके। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं पहले, जो कि आपका क्या है, एक्सरसाइज है एंड विच इज़ इन द बुक एंड इट्स अबाउट यू एज वी रीड। जैसे कि हम लोगों ने स्टोरी रीड किया है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी यू हैव सम क्वेश्चंस विच यू विल राइट अ वेरी शॉर्ट एंड वन वर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बहुत ही शॉर्ट आंसर राइट करेंगे, वन वर्ड आंसर राइट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फिल किया आपकी बुक में, तो आप लोग भी इसको देख करके अपनी नोटबुक में फिल कर लेंगे, अपने नोटबुक में क्वेश्चन विद आंसर राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। सो स्टार्ट नाउ, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट इन वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं एंड वन सेंटेंस आंसर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। स्टार्ट नाउ, व्हाई डिड किंग कृष्णदेव राया वांट टू गिव 100 कॉइंस टू चतुर पंडित। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किंग कृष्णदेव राया जो हैं वो चतुर पंडित को 100 गोल्ड कॉइन्स क्यों देना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव रीड दिस स्टोरी ना, सो लेट्स रिप्लाई मी। चलिए मुझे आंसर दीजिए कि चतुर पंडित को कृष्णदेव राया 100 गोल्ड कॉइन्स क्यों देना चाहते थे। बिकॉज चतुर पंडित हैज़ ब्रॉट अ ब्यूटिफुल रेड पिकॉक। चतुर पंडित जो है उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटिफुल, बहुत ही लवली रेड कलर की पिकॉक किसको दी थी, किंग को ऑफर किया था, किंग को दिया था, ठीक है। तो देखिए मैंने आंसर राइट किया है फॉर द रेड पिकॉक, ठीक है। मीन्स रेड पिकॉक के लिए वो किंग जो है चतुर पंडित को 100 गोल्ड कॉइन्स देना चाहते थे। क्लियर, आप आंसर लिखेंगे फॉर द रेड पिकॉक। अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आंसर मैंने राइट नहीं किया है बिकॉज आई हैव लेफ्ट फॉर यू ऑल, बट आई विल टेल द आंसर, बट यू ऑल हैव टू डू इन नोटबुक, आप लोग को खुद करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट वन क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द एनिमल्स हैविंग ब्राइट कलर्स इन द जंगल। व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स के लिए क्या प्रॉब्लम है हैविंग ब्राइट कलर्स इन द जंगल। अगर वो ब्राइट कलर की हैं जंगल में, अगर एनिमल्स ब्राइटली कलर के हैं तो उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को किस वजह से, मीन्स किस रीज़न से प्रॉब्लम है, किस रीज़न से प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसकी आंसर स्टूडेंट्स खुद से राइट करेंगे, बिकॉज आंसर आप राइट कर सकते हैं बिकॉज अदर एनिमल्स विल किल देम। क्या आंसर लिखेंगे, जो कि आपके बुक में भी है, बिकॉज अदर एनिमल्स आर अदर एनिमल्स विल किल देम। मीन्स अगर वो ब्राइट कलर के होते हैं, अगर कुछ एनिमल जो हैं उनके कलर ब्राइट होती है, बहुत ही ज़्यादा लवली होते हैं, तो जो अदर एनिमल होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनको मार डालते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन सारे एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम थी, बिकॉज अदर एनिमल्स विल किल देम। आंसर आप लोग राइट कीजिएगा यहाँ पे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, हुज हेल्प डिड तेनाली रामन टेक टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तेनाली रामन ने किसकी हेल्प ली थी ट्रूथ को फाइंड आउट करने में, मीन्स सच का पता लगाने में तेनाली रामन ने किसकी हेल्प ली। तो आप सबको रिमेम्बर है ना, मैंने आप लोग को बताया भी है, बट तेनाली रामन जो हैं, when he realized that now there was something wrong with the chatur pandit, because that red peacock was not really red peacock actually, that was painted by a painter. तो जब उनको ये realize हुआ, तो इस truth का पता लगाने के लिए, find out कराने के लिए इन्होंने अपने spies को भेजा। किसको भेजा, spies को। spelling देखिए, his spies, spelling मैंने किया spies, spies, ठीक है ना। स्पाइस मीन्स अपने जासूसों को, जो भी उनके जासूस थे ना, जो लोग पता लगाते हैं चीज़ों के बारे में, उनको सेंड किया, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, SPIES आपकी स्पाइस स्पेलिंग है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच डिड द किंग ऑफर टू पे तेनाली रामन। और जब तेनाली रामन जो है वो 10 मोर पिकॉक के साथ आए, जो कि उन्होंने सारे पिकॉक को पेंट कराया था पेंटर से, तो जब वो वैन किंग ने जब वो देखा कि तेनाली रामन बहुत सारे पिकॉक के, रेड पिकॉक के साथ, लवली पिकॉक के साथ आए हैं,
तो उन्होंने कितने कितनी कॉस्ट और कितने गोल्ड क्वाइन जो है वो तेनालीरामन को ऑफर किए, आप लोग को रिमेम्बर है? यस, उन्होंने चतुर किंग कृष्णदेव राय ने चतुर पंडित को 100 गोल्ड क्वाइंस दिए थे, बट चतुर तेनालीरामन जो है उन्होंने 10 पिकॉक्स लाए थे ना, इसलिए उनको कितने दिए, 1000 गोल्ड क्वाइंस उनको ऑफर किए। किंग ने तेनालीरामन को 1000 गोल्ड क्वाइंस जो है वो ऑफर किया। क्लियर? ओके, कम ऑन नेक्स्ट। डिड तेनालीरामन एक्सेप्ट द मनी? यहाँ पे आंसर है डिड तेनालीरामन एक्सेप्ट द मनी, क्या मीन्स जब किंग ने राजा ने जब तेनालीरामन को 1000 गोल्ड क्वाइंस दिया तो क्या तेनालीरामन ने उस मनी को एक्सेप्ट किया, मनी को एक्सेप्ट किया? नो। क्या आंसर होगा? नो। और क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज, चलिए आंसर बताइए, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट दी ट्रूथ। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो ट्रूथ का पता लगाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, आंसर आप लोग का हो जाएगा नो। नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग पनिश चतुर पंडित? किंग ने किंग कृष्णदेव राय जो हैं उन्होंने चतुर पंडित को कैसे पनिश किया, किस तरह से पनिश किया? यस, ही पनिश्ड बाई सेंडिंग आउटसाइड। ठीक है, बाई सेंडिंग आउटसाइड टू, आप यहाँ पर कर सकते हो नोटबुक में, बाई सेंडिंग आउटसाइड टू चतुर पंडित, मीन्स उन्होंने किंग कृष्णदेव राय ने चतुर पंडित को आउटसाइड भेज दिया। ठीक है ना, उनको कोर्ट में आने से मना कर दिया 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई सेंडिंग आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वॉट हैपन टू द पिकॉक वेन मानसून अराइव? वॉट हैपन टू द पिकॉक मीन्स पिकॉक के साथ क्या हुआ, वेन मानसून अराइव, जब मानसून आया मीन्स जब मानसून जब रेनी होने लगी तो पिकॉक के साथ क्या हुआ, सारे पिकॉक के साथ क्या हुआ? यस, आंसर आपका है रैन वॉस्ड ऑफ द पिकॉक्स। रैन वॉस्ड ऑफ द पिकॉक्स मीन्स जो भी पिकॉक की कलर थी उसको रैन ने वॉस्ड ऑफ कर दिया, उसको धो दिया, उसको साफ कर दिया और उनको उनके उनके रियल कलर में ले आया। ठीक है, तो आंसर क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे आंसर था रैन वॉस्ड ऑफ द पिकॉक, रैन ने सारे पिकॉक को वॉश कर दिया, उनके कलर को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, वॉश कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे क्लियरली। ठीक है, सब लोग नोटबुक में लिख करके और स्कूल एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करेंगे। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव अबाउट यू, लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पे हमारा है वर्ड मीनिंग है जो कि आपके चैप्टर्स हैं, चलिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अराइव, अराइव मीन्स क्या होता है, पहुँचना, आना। अराइव मीनिंग क्या होती है, अराइव की कम मीन्स आना, पहुँचना। नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना मीन्स इफ समटाइम समवन गिव यू समथिंग, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेक करना, आप उसको लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्च, सर्च मीन्स क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आपकी लॉस हो जाती है तो आप उसको सर्च करते हो ना, ठीक है ना, उसके लिए लुकिंग आफ्टर करते हो ना, उसको ढूंढने के लिए, सर्च मीन्स होता है ढूंढना, खोजना, लुक आफ्टर मीन्स खोजना, उसको देखना। नेक्स्ट आपका एनफ मीन्स बहुत ज़्यादा, मोर देन नीडेड, एनफ मोर देन नीडेड मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा होना, ठीक है ना, आवश्यकता से ज़्यादा होना, उसको कहते हैं एनफ। ठीक है ना, एनफ। नेक्स्ट फॉरगिव, नॉट पनिश फॉर समथिंग, फॉरगिव जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, फॉरगिव हमें क्या कर देना चाहिए, इफ़ योर younger brother did any mistakes, so it's your duty, it's your responsibility to forgive him and her. हमें उन्हें forgive कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ है not punish for something means किसी भी चीज़ के लिए punish ना देना, punish ना करना, दंड ना देना जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का आपका जो वर्क है
वो आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है नोटबुक में विद आंसर, और देन उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग आपकी जो दी हुई है इन सारे वर्ड मीनिंग को भी आप अपने नोटबुक में अच्छे से क्लियरली विद करेक्ट स्पेलिंग नोट डाउन कर लेंगे, और स्कूल एप्लीकेशन के थ्रू सब लोग अपना अपना वर्क सेंड करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.